कल एक और दिन निकल गया दोस्तों, और फिर से बाजार ने हमें चौंका दिया, फिर से धोखा दिया कि कल बाजार जहां 15,800 के आसपास रुक गया था, कल के लाइव सेशन में हमने काफी डिस्कशन की थी कि 15,800 के आसपास बाजार आएगा तो लेंगे, ये मैं कह पा रहा था सिर्फ ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने के बाद ही। और आज की ऑप्शन चेन में बहुत ही क्लियरली कह रही थी कि 16,000 के आसपास में एक बिल्डअप बनता दिखाई दे रहा था, और उस बिल्डअप में जब स्ट्रेंथ आ गई तो वहां पे हमें क्लियर था कि 16,200 के आसपास बाजार टच हो चुका है। तो यहाँ पे बाजार 16,200 के आसपास क्यों टच हो सकता था, वो ऑप्शन चेन के थ्रू बहुत क्लियर था। दूसरा, हमारे पास एक कैलकुलेटर है, हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जो क्लियरली हमें कहता है कि बाजार कहाँ तक जाएगा। 15,750 का एक लो लगा था, वापस एक थर्ड टाइम शायद ये लो टेस्ट हुआ है, उसके बाद से बाजार ने आज 16,000 के आसपास की ओपनिंग दी थी। 16,129 का हमारा बैरियर था, जिसके ऊपर अगर बाजार चलता तो 16,250 तक हम टच हो सकते थे, 16,200 तक भी जा सकते थे, बहुत ही क्लियर है। बाजार ने परफॉर्म कैसे किया ये देखने की कोशिश करते हैं। बाजार ने काफी देर तक, अगर आप देखेंगे, काफी देर तक बाजार ने इस लेवल के आसपास होल्ड किया। ये एक लेवल था जो बाजार क्रॉस नहीं कर पा था, 16,130 के आसपास में बहुत देर तक बाजार लगा रहा, और जब इस को बाजार ने क्रॉस किया तो सीधा बाजार का जो लेवल था वो सीधा 16,200 के आसपास का ही लेवल आया, जो हम सुबह देख पा रहे थे। उसके बाद 10:20 के आसपास लाइव सेशन को हमें रुकना पड़ा था, और उसके बाद में 250 तक के लेवल फिर बाजार में बन गए, जो एक रेजिस्टेंस था, फिर एक सपोर्ट का काम लेते हुए बाजार 280 के आसपास तक चला गया, और आज इसने जो टच किया 282 को टच किया, 278 के आसपास की क्लोजिंग भी आई। ये बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग निफ्टी की आज की देखने को मिल रही है। तो अगर हम 16,256 से जो हमारा लेवल था देखने की कोशिश की, तो अब हमारा फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा 16,384 का, 16,384 का, और ये हमारे पास बहुत ही क्लियर है कि यहां से बाजार जो गिरना स्टार्ट हुआ था 400 के लेवल से ही बाजार गिरना स्टार्ट हुआ था। तो क्या ऐसा होगा कि मंडे को फिर से बाजार 200 पॉइंट गैप खोलेगा, क्या बाजार में फिर से खुश कर देगा? देखिए, बाजार का बिल्डअप बड़ा स्ट्रांग है, आज का बिल्डअप बहुत ही अच्छा था, आज भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, निचले स्तर से कॉल अनवाइंड होती हुई दिखाई दी, जिन्होंने ने कॉल राइटिंग कर रखी थी वो अनवाइंड होती हुई दिखाई दी, इसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। शॉर्ट कवरिंग में हम बहुत अच्छी देखने को मिली, बिल्डअप स्ट्रॉन्ग रहा, धीरे रहा, अच्छा रहा, यह बाजार के लिए अच्छा है। बट यू नेवर नो, एक बात समझने की है कि कल जहां पे यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा खराब था, बाजार डिमोटिवेटेड थे, यूएस मार्केट क्रैश कर रही थी, और यूएस मार्केट्स को पूरा ग्लोबल मार्केट्स फॉलो कर रही थी, जिसके चलते बाजार गिरा। तो मुझे पूछना आप लोगों से यह है कि आपको ये समझ में आता है क्या, एक चीज हजम होती है कि एक दिन पहले अगर यूएस फेड की रेट हाइक की न्यूज आती है तो बाजार क्रैश हो जाता है, दो दिन में बाजार वापस क्यों चला जाता है? फिर न्यूज आती है कि भैया यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा नहीं आया, बाजार क्रैश हो जाता है, फिर बाजार ऊपर चला जाता है, क्या एक दिन में एम्प्लॉयमेंट डेटा हजम हो जाता है? दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, दिस इज जस्ट अ नंबर गेम। जब तक हम स्टॉक मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखेंगे, हम कभी पैसा नहीं बना सकते। जितने भी ट्रेडर्स हैं, दे शुड ओनली एंड ओनली लुक आफ्टर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी बंद कर दीजिए, क्योंकि निफ्टी में ऑटोमेटिकली 50 स्टॉक्स का मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में ऑटोमेटिकली 10-12 बैंक्स का मूवमेंट है। तो जहां इतने बड़ी मूवमेंट आपको ट्रैक हो रही है, निफ्टी के अंदर सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ऑलरेडी मर्ज हैं, फाइनेंशियल्स का जो वेटेज है 40% के आसपास है निफ्टी के अंदर में, तो निफ्टी से ज्यादा ब्यूटीफुल आपको क्या मिलेगा? इतना बढ़िया टूल है, अगर निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रही होती तो मैं कहता आप जाओ स्टॉक्स में ट्रेड करो। अरे, ट्रेडिंग करनी है तो वी हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर ब्यूटीफुल एसेट विच इज कॉल्ड एज निफ्टी। निफ्टी फ्यूचर्स परफेक्ट है दोस्तों, और बहुत अच्छी मूवमेंट रहती है, फंस भी जाते हैं तो निकलने के पूरे मौके मिलते हैं। तो यहाँ पे कल हमने लाइव सेशन में एक 15,900 की कॉल ली थी हमने, जहां पे हमारा 10 रुपए का सॉपर सेट हुआ था, कल एक्सपायरी थी, 10 रुपए का सॉपर हमने देना अच्छा रखा, क्योंकि उसके बाद वो कॉल जीरो हो गई थी। बाजार 15,800 के आसपास में, 15,800 की कॉल ने बिल्कुल कमाल कर दिया, बाजार 450 पॉइंट बढ़ा है। सोचिए, 15,800 की कॉल को अगर हमने नेक्स्ट एक्सपायरी पर लिया होता तो कम से 400 पॉइंट की तेजी हमें एक सिंगल लॉट में देखने को मिलती। बाजार में सही टाइमिंग जरूरी है, और ये टाइमिंग्स आर पॉसिबल ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। तो अब बाजार में क्या लगता है, यहां पे एक रेजिस्टेंस रहेगा 384 के आसपास का, उसके ऊपर बाजार चलेगा तो हम ट्रेड लेने वाले हैं बाय का। और ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आने वाली मुंबई क्लास 29 तारीख को, इसी महीने में मुंबई क्लास है, उनको तो फ्री मिलने वाला ही है, एक साल के लिए पूरा एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। बाकी जितनी भी आने वाली क्लासेस है, चाहे कोलकाता की हो, अहमदाबाद की, पूरे इंडिया में कहीं की भी क्लासेस हो, अगर आप अपने शहर में क्लासेस चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम वहां पर क्लासेस अरेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता हूं गाइस, मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही लेता हूं, आपसे पर्सनल मिलना मुझे पसंद है, और ऑनलाइन में कोई मजा नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे कल के दिन में अगर इंट्राडे में बाइंग करनी है तो 277 के ऊपर में बाय बने रहेंगे हमारा, जहां जिसके ऊपर क्लोजिंग हुई भी है, तो स्टॉप लॉस हमारा 234 के आसपास करेगा। ये 234 के आसपास का स्टॉप लॉस क्यों रहने वाला, देखिए बेसिकली ये एक लेवल था 230 के आसपास का, जहां पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया था, इस लेवल को आप चेक कर सकते हैं, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, 230 के आसपास का लेवल पहले भी इससे सपोर्ट का काम किया है, यहां पे एक रेजिस्टेंस का काम किया गाइस। तो यहां पे
कल के ट्रेड के लिए अगर बाजार 234 के नीचे खुलता है तो फिर हम कोशिश करेंगे 129 के आसपास बाजार के सपोर्ट को ढूंढने के लिए। बाजार बहुत वोलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज डैम पॉसिबल। अगर इसके ऊपर बाजार खुलता है तो हमारा जो 234 का स्टॉप लॉस को हम शिफ्ट कर देंगे 280 के आसपास में, ट्रेल करेंगे अपने स्टॉप लॉसेस को ताकि हम अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कर सकें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को हमें कैसे ट्रेड करना है। आज कैसा रहा बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी का भी बाजार बिल्कुल वैसा ही रहा, एक लेवल था बाजार का जहां पे बाजार ने होल्ड लिया 34,000 के आसपास, काफी होल्ड लिया बाजार ने। और उसके बाद जब ये लेवल क्रॉस हुआ बाजार का तो फिर बाजार ने इस लेवल को एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। जो पहले रेजिस्टेंस का लेवल था वो एक सपोर्ट बन गया, जब सपोर्ट जो थे पहले रेजिस्टेंस थे, अब वो रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ सपोर्ट बन गया, तो जब सपोर्ट बन जाते 34,150, अब ये ऑटोमेटिकली एक बड़ा सपोर्ट बन जाता है जहां पे हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। 34,150 का एक मेजर सपोर्ट बन जाता है। क्लोजिंग आपकी है आज 34,276 के आसपास की क्लोजिंग है, तो यहां पे हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 34,225, जस्ट 50 पॉइंट्स। बट 50 पॉइंट बाजार आजकल तो बड़ा ही बेरहम हो रखा है, कभी भी गैप से खोल देता है। 50 क्या, 200 पॉइंट्स के गैप्स हो रहे हैं, तो इन गैप्स का हम कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। जो बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, जो बड़ा लेवल है 34,000 के आसपास का ही है। पर अगर कल के दिन में बाजार ठीक ठाक से खुल जाते, कल का मतलब आई मीन टू से मंडे, ठीक है ना, मंडे को अगर निफ्टी खुलती है 34,000 के ऊपर में ही, 34,300 के आसपास खुलती है, 34,150 का स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस रहने वाला है। उसके पहले तो स्टॉप लॉस हमारा नहीं बनेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस जो बनेगा 34,225 के आसपास का बनेगा, ठीक है, ये लेवल रहेंगे हमारे, ठीक है। इस स्विंग के लो को हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं 200 के आसपास में, तो इस स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेल कर सकते हो, ट्रेडिंग में लॉसेस कट सकते हैं। पर ऑप्शन चेन को अगर लाइव देखते रहेंगे तो शायद हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि हमें स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तो लाइव ऑप्शन चेन को एक्सेस करने के लिए मंडे मिलेंगे 9:15 पे लाइव सेशन के थ्रू। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेके आइए, और सीखना चाहते हैं ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, ऑप्शन चेन के सीक्रेट्स क्या हैं, ऑप्शन चेन को कैसे बिल्कुल बच्चे की तरह समझा जाए और कैसे उसको अपने प्राइस एक्शन के साथ इन्वॉल्व करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए आपको किसी क्लास को ज्वाइन करना होगा। एंड वी हैव अ मुंबई क्लास ऑन 29th of May दिस मंथ एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सो कीप इन टच, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपके सभी चीजों का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।